अरे भैया, वीडियो शुरू होने से पहले सब्सक्राइब का बटन दबा दीजिए हाँ, ताकि आप लोग हर नोटिफिकेशन पा पाए। एवरीबॉडी, हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू एजुकेशनल गुरु। तो हम लोगों ने पिछले दो वीडियोस में लाइफ प्रोसेस, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, कार्बन एंड इट्स कंपाउंड से मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू क्वेश्चंस देखा था 1 to 20 तक, और ये आज लास्ट वीडियो है क्वेश्चन नंबर 21 to 30 से। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए मैं इस एमसीक्यू को आपको देता हूं। तो यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 हमारा स्टार्ट होता है, विच एलोट्रोप ऑफ कार्बन इज इन फॉर्म ऑफ जियोडेसिक ग्लोब, ग्रेफाइट, डायमंड, फ्लोरीन या कार्बन नैनोट्यूब। तो यहां आंसर है फ्लोरीन, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 22 है, हाउ मेनी कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एन इथेनोइक एसिड, 1, 2, 3 या 4। तो ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट है, जो आंसर है 2। क्वेश्चन नंबर 3, विच विल लूज इलेक्ट्रॉन इजली, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम या कैल्शियम। तो ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि के, पोटेशियम। यहाँ पे 24 में आपका पूछा जा रहा है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट दैट डिस्क्राइब द आर्टरी। आर्टरी का रियल यहाँ पे कौन सा ऑप्शन करेक्ट है, तो मैं यहाँ पे पूरा रीड नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ आंसर, जो करेक्ट आंसर है उसको मैं बताता हूँ। आंसर है, दे हैव थिक इलास्टिक वॉल विदाउट वॉल्व इनसाइड, द ब्लड फ्लो अंडर हाई प्रेशर एंड कैरी ब्लड अवे फ्रॉम हार्ट टू डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। यानी कि यहाँ पे जो फंक्शन, यहाँ पे आर्टरी का मेनली फंक्शन दिया गया है कि जो ब्लड होता है वो हार्ट से दूसरे डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी पे जाती है, मतलब जो ब्लड है वो हार्ट से फ्लो होके कहाँ जाती है, डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी। क्वेश्चन नंबर 25 है, द इंटरनल सेलुलर एनर्जी रिजर्वॉयर इन ऑटोट्रॉप्स इज ग्लाइकोजन, प्रोटीन, स्टार्च या फैटी एसिड। तो इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, स्टार्च। क्वेश्चन नंबर 26 है, विच सेट आउट ऑफ देम सो द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मेटेलिक कैरेक्टर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया और ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 27 है, इथेनॉल रिएक्ट विद सोडियम एंड फॉर्म टू प्रोडक्ट दीज आर। यहाँ पे चार ऑप्शन दिया गया है और इसका करेक्ट आंसर आपको यहाँ पे दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए, सोडियम इथोनेट एंड हाइड्रोजन। क्वेश्चन नंबर 28 है, विच टू नेबर्स ऑफ होमोलोगस सीरीज डिफर बाय। यहाँ पे चार ऑप्शन है, यहाँ भी आंसर आपका दिया है ऑप्शन नंबर बी, CH2। क्वेश्चन नंबर 29 है, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस सेल इज इक्वल टू द एटॉमिक मास, ग्रुप नंबर, पीरियोडिक नंबर या एटॉमिक नंबर। तो इसका आंसर है ग्रुप नंबर, ऑप्शन नंबर बी। और यहां पे लास्ट क्वेश्चन आप लोगों का दिया गया है इस तीन चैप्टर से, वो है, विच आउट ऑफ देम इज रॉ मटेरियल फॉर फोटोसिंथेसिस, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, ऑक्सीजन या ऑल। तो यहां पे सही बात है, रॉ मटेरियल ये चारों है हमारा, मतलब तीनों है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड ऑक्सीजन। तो ये तो थे आज के मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यू फ्रॉम दीज थ्री चैप्टर्स। आपको नेक्स्ट वीडियो में फिर से मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मिल जाएंगे बोर्ड एग्जाम 2021 के लिए। सो ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जामिनेशन, स्टे ट्यून्ड विद एजुकेशनल गुरु, लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट। थैंक यू।